हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पलक झपकते ही हमें अपने चपेट में ले लेती हैं और हम बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जो कि अचानक होती हैं, सडन होती हैं, मतलब इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है और तुरंत इनके लक्षण आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्रो करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और हमें उस वक्त पता नहीं चल पाता है जब तक इन बीमारियों के बारे में हमें पता चलता है या जब तक हम इनके लक्षणों को सीरियस लेते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। इन्हीं में से एक है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर आपको समय रहते पता चल गया तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं, इलाज संभव है। लेकिन अगर इसके लिए बहुत देर हो गई तो फिर इलाज भी इसका इतना ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। सो कैंसर में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमारी बॉडी में आते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। इनमें से ही कुछ लक्षण हैं जो मैं आज आपको बताती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो जिन लोगों को पेट का कैंसर होता है या ऐसा कोई दिक्कत होता है, उन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। कुछ भी खाते हैं इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, मितली सी लगती है, कच्ची डकार आना, इसके साथ ही पेट ख़राब रहने की प्रॉब्लम उन्हें हमेशा रहती है। या कई बार उनके मल में ब्लड भी आता है, खून भी आता है, साथ ही वो कई बार मल त्याग के लिए भी जाते हैं। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जिन लोगों को गले के कैंसर की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को खांसते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गले में गांठ फील होती है, कुछ भी घोटने में आपको कुछ महसूस होगा कि कुछ अटक रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज़ में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है, भारीपन आ सकता है या फिर आपको बोलने में समस्या हो सकती है। सो ऐसा कोई भी दिक्कत है तुरंत डॉक्टर से मिलें और एक बार चेकअप कराएं। हो सकता है कोई नॉर्मल ही इन्फेक्शन हो, बट ऐसी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों में वजन में कमी की भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपका कंटिन्यू धीरे धीरे करके वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका वेट लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस की प्रॉब्लम क्या क्यों हो रही है। इसके साथ ही जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उन्हें अगर पेट की प्रॉब्लम, पेट का कैंसर कोई प्रॉब्लम करता है तो उस टाइम पे उन्हें वो नॉनवेज खाने का मन नहीं करेगा। उन्हें भूख लगेगी मगर वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, जितनी उनकी डाइट थी डाइट अपने आप कम होने लगती है। सो इन चीज़ों पे ध्यान दें। इसके साथ साथ में बॉडी पर ईचिंग शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, नाक पे खुजली होती है उन्हें बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में भी खुजली होने लगती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो थोड़ा सा सीरियस होके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किसी नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से है या कोई और प्रॉब्लम है।